हेलो एवरीवन, मेरा नाम सर है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा विशा। तो भाई हमारी लाइट चली गई है, यहाँ पे ना मौसम खराब है, इस वजह से लाइट जो है ना, जब भी मौसम खराब होता है पता नहीं क्या ऐसा होता है कि ये ना लाइट ले जाते हैं। लाइट ले जाते हैं, बिल्कुल लाइट ले जाते हैं, तो इस वजह से आपको अंधेरा काम ही यही है, यही है, लिख दे रहे हैं लाइट कब करें। हाँ, कब लेके जाए लाइट, यही बस इनका इंतजार रहता। तो हम क्या करें, हम मजबूर है। तो मतलब हमने काम भी करना होता है। हाँ, तो हमने दो लाइट्स वैसे जलाई हुई हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई इशू है तो बता दीजिएगा, तो एडजस्ट कर लीजिए। तो आज की वीडियो लेकर आए, इसमें हम देखने वाले हैं भाई, इंडिया ने बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली है। इंडिया ने हमें सुपर कंप्यूटर लॉन्च कर दिया, मेड इन इंडिया। इंडिया ने अपने जो कंप्यूटर है ना वो बना के तो लॉन्च किया। पीएम मोदी ने ये एक गिफ्ट दिया नेशन को अपनी, जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले। और पाकिस्तानी मीडिया बोल रही है कि हम जो है लोग, हम जिहाद करते रहे, हम नफरत की तरफ बढ़ते रहे, और इंडिया जो है ना वो टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ता रहा, उसने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, और हम जो है जाहिलियत की तरफ जाते रहे। तो देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या बोल रहा है। वीडियो के अंत तक देखना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। देखते हैं आज के पाकिस्तान जो है वो पिछले 40-50 साल मदरसों पे इन्वेस्टमेंट करता रहा, इंडिया जो है वो यूनिवर्सिटियां बनाता रहा। परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। फिजिक्स से लेकर अर्थ साइंस और कॉस्मोलॉजी में ये सुपर कंप्यूटर एडवांस्ड रिसर्च में मदद करेंगे। आज वो जो मदरसे हैं उधर बच्चे जवान हो गए, उन बच्चों ने क्लैशनकोव पकड़ ली और हम उनको उनसे क्लैशनकोव छुड़ाते छुड़ाते हमारी जो है ना हम तरक्की की वो रास्ता ही भूल गए, और वो भारत है वहां के बच्चे यूनिवर्सिटियों में पढ़ते रहे और आज वो तरक्की के रास्ते में चल पड़े। तीनों सुपर कंप्यूटर पहले पूर्ण रूप से स्वदेशी सुपर कंप्यूटर हैं। इस वक्त इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है 26 ब्रांचें हैं उनकी 26। मतलब कि वो लोग इतने आगे निकल चुके हैं, इतनी तरक्की कर रहे हैं, और हम लोग वहीं के वहीं, बल्कि हम लोग 20 30 50 साल पीछे जा रहे हैं। वहाँ के लोगों का विजन थोड़ा बदल गया हुआ है, सिर्फ इस हवाले से कि पाकिस्तानी दहशतगर्द हैं। जब उन्होंने इस्लाम को इनडायरेक्टली नऊज़ बिल्ला बेचा, ऑलमोस्ट जिहाद की फैक्ट्रियां बनाई। मैं तो मानता हूँ कि वो हमसे वो 100 साल जो है ना वो आगे हमसे। इंडिया को इस मुकाम तक पहुँचाने का मेन डेवलपमेंट जो फोकस था वो सारी जो इंडस्ट्री ग्रोथ थी ना, उनकी प्रोफेशनलिज्म, उनका काम, उनकी इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी। मोदी साहब जो आए हैं, और आज आपको मैं बताना चाहता हूं अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है MIT। MIT में दाखिला मिलना आसान है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया में दाखिला मिलना मुश्किल। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च किए हैं जो स्वदेशी तकनीक से निर्मित हैं। ये कदम राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति के लिए भारत के प्रयास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। स्वदेशी रूप से विकसित किए गए इन सुपर कंप्यूटरों को कई वैज्ञानिक विषयों में अग्रणी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए पुणे, दिल्ली और कोलकाता में तैनात किया गया है। इस मौके पर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आज का भारत संभावनाओं के अनंत आकाश में नए अवसरों का निर्माण कर रहा है। विज्ञान की सार्थकता केवल आविष्कार और विकास में नहीं, बल्कि सबसे अंतिम व्यक्ति की आशा आकांक्षाओं को पूरा करने में है। आज अगर हम हाईटेक हो रहे हैं तो ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारी हाईटेक प्रौद्योगिकी गरीबों की ताकत बने। उन्होंने कहा कि एक समय सुपर कंप्यूटर में गिने चुने देशों की महारत मानी जाती थी, और आज भारत सुपर कंप्यूटर की दिशा में बड़े देशों की बराबरी करा है। पाकिस्तान जो है वो पिछले 40-50 साल मदरसों पे इन्वेस्टमेंट करता रहा, इंडिया जो है वो यूनिवर्सिटियां बनाता रहा। आज वो जो मदरसे हैं उधर बच्चे जवान हो गए, उन बच्चों ने क्लैशनकोव पकड़ ली और हम उनको उनसे क्लैशनकोव छुड़ाते छुड़ाते हमारी जो है ना हम तरक्की की वो रास्ता ही भूल गए, और वो भारत है वहां के बच्चे यूनिवर्सिटियों में पढ़ते रहे और आज वो तरक्की के रास्ते में चल पड़े। ताड़ साहब जी, हमसे भूल कहाँ हुई, हमसे चूक कहाँ हुई, हम क्यों अपना रास्ता भूल गए, आजादी जो कटे हासिल की थी। चीमा साहब, मैं इसका बल्कि थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताऊंगा। तरीकाकार देखिए ना, एक आपकी डेस्टिनेशन जाना हो, आपने एक जगह से दूसरी डेस्टिनेशन कोई शॉर्टकट लगाता है, उसमें से कोई कच्चे रास्ते से चला जाता है, कोई परमानेंट उसके बारे में सोचता है कि यार मैं वहां जाऊंगा और आना जाना लगा रहेगा, तो मैंने अचीव किस तरह स्टेबल मुनासिब तरीके से कैसे जाना। हमने शुरू से 1947 से, मैं ये थोड़ा सा 1947 पे इसलिए ले जाना चाहूंगा कि हमारा स्टाइल उस वक्त भी यही था। हमने उस वक्त भी अमेरिका से या वेस्टर्न सिविलाइजेशन से पैसे बनाने की कोशिश की
केस पेश किया गया कि सोशलिज्म इज नॉट अलाइंड विद इस्लाम, हमें पैसा दिया जाए ताकि रशिया का एक्सपेंशन ऑफ सोशलिज्म को रोका जाए। दिस स्टार्टेड इन 1947, हमारे लियाकत अली खान का जो पहला ट्रिप था उसके अंदर ये डायलॉग हुआ कि सोशलिज्म इज नॉट अलाइंड विद इस्लाम, हमें जमहूरियत इस्लाम के साथ अलाइंड है, हमें पैसा दिया जाए। ये उसी वक्त बातें शुरू हो गई। गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई जब जब हमारे सबसे ज्यादा पाकिस्तान के फैब्रिक को नुकसान पहुंचाया जियाउल हक साहब, जब उन्होंने इस्लाम को इनडायरेक्टली नाउज बिल्ला बेचा, ऑलमोस्ट जिहाद की फैक्ट्रियां बनाई सिर्फ और सिर्फ टू अकोमोडेट अमेरिकन इन अफगानिस्तान। और उसके बाद वो जो डॉलर कंटेनरों में आते रहे हैं आज तक हमें उनके ख्वाब नजर आ रहे हैं। एक तो उसने हमारे मुल्क का सत्यानाश किया, रंग बिरंगे किस्म का इस्लाम इन्होंने पेश किया, हर चौक हर बड़े बाजार के अंदर धमाके हुए, तबाही फेर दी उसका रिएक्शन। अब जिनको आप अफगान महाजरीन कहते हैं वो आपके कंट्री पर जबरदस्ती मुसल्लत है, आपकी मर्जी से नहीं आए वो, ना वो जाते हैं वापस, मेजॉरिटी के पास शनाख्ती कार्ड है, दे आर वो किसी वक्त भी वो पैसा लेकर आपके ऊपर जो है वो हमले करते हैं क्योंकि उनका कारोबार है जंग। अगर आप अफगानिस्तान का देखें तो गुरिला वार इज पार्ट ऑफ देयर डीएनए। वो सदियों से खैबर पास के ऊपर पहाड़ों से नीचे उतर कर हमले करके और वो ऊपर चले जाते थे, फिर उन्होंने देखा कि यहां तो सर्दी बहुत है तो वो सर्दियों में इंडिया आना शुरू हो गए, उन्होंने फिर हमले करने शुरू कर दिए, फिर उन्होंने यहां मुगलों की शेप इख्तियार की यहां पे, तो वो सारा सिलसिला हुआ। लेकिन दे आर जो लड़ाई झगड़ा ट्रबल जो है उनके डीएनए का हिस्सा है। आपको ये शक हो ना कि मुहाजरीन आप पाल रहे हैं वो आप उनमें से भी यूएस एड के डॉलर बनाते हैं, आपको ये फायदा जरूर है, लेकिन ना वो जाएंगे ना जाते हैं, ना जाएंगे वो ना आपकी मर्जी से आए हैं ना आपकी मर्जी से जाएंगे वापस, बल्कि वो नॉन स्टॉप थ्रेट है आपके लिए। अब मैं उसपे, अच्छा आपने उसपे भी डॉलर बनाए, बिल्कुल खुल खुला के डॉलर बनाए और आज तक आपके वो ख्वाबों में आते हैं कि दोबारा वो पेटियां आए डॉलरों की, वो नहीं आ रही है अब क्योंकि अब वो अब आस पास आपके कई और दूसरे ममालिक उनको एंटरटेन करते हैं, कई और मकासद हैं, चेंज होते हैं। लेकिन अच्छा दूसरा उसमें एक और बात बताना चाहूंगा कि मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ जियाउल हक साहब ने मदरसे बना के छोड़ दिए। अब हमारे जो कई पढ़े लिखे बाबू हैं जो ऑक्सफोर्ड के हैं, जो खूबसूरत तरीन हैं, उन्होंने भी जिहाद की ट्रेनिंग शुरू कर दी, उन्होंने भी मौलवियों का जो है वो जो मदरसों का कॉन्सेप्ट है हाईजैक करके वो बार बार कौम को कहते हैं कि जिहाद ये सियासत नहीं जिहाद। अब ये आप अंदाजा लगा ले कि आप उस वो जो ऐसा आपको टीका लगा डॉलरों का, आप उस मोड से बाहर ही नहीं आ रहे हैं। आप वो इस तरीके से दहशतगर्दी दुनिया में आपने बेची और इतना पैसा बनाया आपने कि दैट हैज बिकम पार्ट ऑफ योर कारोबार। वो आप चाहते हैं, आप तालीम की तरफ तवज्जो नहीं है आपकी, आपकी तरक्की चाहते ही नहीं है आप तरक्की नहीं। मैं ये आपको गारंटी से कह देता हूं, देखें हमेशा मीडिया और सियासतदान वही चीज बेचता है जो कौम खरीदना चाहती है। देखे ना अखबार खबर न्यूज अगर सिर्फ वही वो दिखाएंगे जो लोग देखना चाहते हैं। इस वक्त इमरान खान साहब की आपकी जो वीडियोस लीक हो रही हैं उसमें वो क्या कह रहे हैं कि मैं वही चूर्ण बेचूंगा, ये हर बार इस्तेमाल करूंगा, वही चूर्ण बेचूंगा जो पीके का बार, बल्कि वो कह रहे हैं जहाद है मेरे जुलूस जलसे में आना, जहाद है। नाउज बिल्ला उन्होंने फरमाया था कि उमरा हज पे ना जाओ, आप पीटीआई के लिए काम करो। नाउज बिल्ला आप उनके स्टेज के ऊपर एक खातून ने कहा था ये 21वीं सदी का पैगंबर है। तो देखे ना वो आप उस जिहाद उस मोड से जो जियाउल हक ने आपके दिमाग के अंदर जो सीड एक बीज लगाया था आज वो पक के फसल 25 करोड़ लोगों के सामने तैयार आपके फिर लौंडे लपाड़े जिसने भी बनाए। इस वक्त इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है 26 ब्रांचें हैं उनकी 26। और आज आपको मैं बताना चाहता हूं अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है MIT। MIT में दाखिला मिलना आसान है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया में दाखिला मिलना मुश्किल है। जी तो गाइस ये थी आज की वीडियो। तो बात यार बड़ी खरी और सच्ची ये बातें करते हैं साजिद तारर को भी बड़े लोग पसंद करते हैं क्योंकि वो एक हक और सच पे मन भी बात करते हैं। वो बोल रहे हैं कि हम जो लोग हैं ना हमने सच में कभी टेक्नोलॉजी पे ना पैसे नहीं खर्च किए, हमने अपना दिमाग नहीं लगाया उस जानिब के हम जो है ना
टेक्नोलॉजी, हम अपना जो दिमाग है ना उसको लगाएं टेक्नोलॉजी की तरफ, साइंस की तरफ लगाएं और तजर्बे करें, ताकि जो है ना भाई, और हमें यहाँ पे अगर कोई फर्ज करे कोई बच्चा है ना जो मतलब इस तरफ जाने की कोशिश भी करता है, हाँ। तो कोई हुकूमत ने कभी उसको सपोर्ट ही नहीं किया, हाँ। मतलब हुकूमत ना उसको नहीं सपोर्ट करती कि भाई तुम जो हो ना मतलब हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं, तुम जो पैसे तुम पे लगाते हैं, तो लोग मायूस होकर ना फिर बाहर की कंट्रीज में चले, हाँ। जाते हैं कि हमें ना इस कंट्री से कोई उम्मीद है ही नहीं। तो आप क्या बोलना चाहेंगे इनके बारे में साजिद तारर, मतलब इनकी बातें कैसी लगी? इनकी बातें बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा इंसान है, सच में अच्छी बातें करता है, अच्छी बात ना किसी से डरता ना कुछ, हाँ मतलब, जो डरते हैं वो बात नहीं करते, ये नहीं डरते, और जो इमरान खान के बारे में भी वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये लोगों को चूरन बेचता है अम्मी, ऐसा पीछे रखा लाया, ऐसा लोग पीछे हटते नहीं, ऐसे कुत्ते लोग नहीं, लोग सच में इतना पीछे उसने लगाया हुआ, और वो बोलता है कि लोग हमें देखते हैं, वो जब भी आपने कभी उसकी स्पीच सुनी हो ना, उसने हमेशा इस्लाम का हवाला जरूर देना है, मतलब सियासत का इस्लाम में क्या रोल है, क्या काम बनता है, तुम इस्लाम के हवाले दे दे के लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हो, उसको पता है कि कमजोरी लोगों के असल में है क्या, तो वो लोगों को ना आप बोलता है वही ना, वो खुद पसंद नहीं करता उसको, मुझे तो खुद बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि उसने हमारी आवाज बहुत ज्यादा भटकाया हुआ है और दूसरी तरफ लगाया, उसने ये क्यों नहीं हमें लोगों को बोलता कि तुम स्कूलों में जाओ, वो लोगों को बोलता तुम जाओ मेरे जलसों पे आओ, स्कूलों कॉलेजों को बंद करो, हाँ लड़कियों को डांस करवाता है, कौन लीडर ऐसा करता है जो लड़कियों को, हाँ एंटरटेनमेंट का उसने एक जरिया बनाया हुआ अपने जलूसों को ना, तो ये भी तो बोल सकता है, पीछे पड़े लगे हैं सही बात, हमें लोगों को ये भी तो वो बोल सकता है कि पढ़ाई लिखाई वो नाम तो मतलब लोग उसकी सुनते जो है, तो उसको चाहिए ना वो अच्छी चीज सही बात, लेकिन लोगों के खून में वो रच चुका है, उसको मुर्शद यहाँ पे बोला जाता, मुर्शद वो होता है जिसको लोग फॉलो करते हैं, हाँ सही बात है, इसने बड़ा खराब आवाम को किया हुआ है, तो आज इंडिया इसी वजह से आ गया, क्योंकि वो भाई साइंस में टेक्नोलॉजी में हर चीज में आ गया वो, उन्होंने कंप्यूटर हम ही अभी अपने बना लिए, उन्होंने समझाया कि हमारे आवाम को कुछ होना चाहिए, अपने कुछ कर लो, हाँ वही ना, उन्होंने आवाम की बेहतरी का सोचा, तो इसी वजह से आज वो देख ले कंप्यूटर बनाना कोई ऐवी सी बात नहीं, कंप्यूटर अपने कंट्री मेड इन इंडिया बना लिया, तो और क्या अब हम आपकी सब कुछ बना ले सही, हाँ इतने कोई शह नहीं, इतने बस मदरसे नवा खोल गया, उत्थे मदरसा उत्थे खोल गया, उत्थे खोल गया, यही बस इनको काम है, कभी ये तो नहीं सुना मदरसिया पढ़ान, मदरसिया जे लोग जहाद क्यों पढ़ाते ने, कि फिर दिमाग उन्होंने ना ब्रेनवॉश हो जाते ने, फिर वो पढ़ते नहीं बच्चे, तो इनको मदरसों में भी अगर आपने पढ़ाना तो उसमें साइंस पढ़ाओ, टेक्नोलॉजी पढ़ाओ, मजहब मैं नहीं बोलती कि मजहब का ना पढ़ाओ, पढ़ाओ, लेकिन ये चीजें भी दुनियादारी भी तो बताओ उनको, उनको बताते ही नहीं है, ये थी आज की वीडियो, क्या बोलना चाहेंगे बताइएगा, फिर मिलता है, थैंक यू।